अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर विशमल डीआईवाई एंड क्राफ्ट। आज मैं बना रही हूँ एक बेबी हेयर बैंड बटरफ्लाई। तो उसके लिए मैंने एक ये पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने चूड़ी से इस तरह से हाफ सर्कल घुमा लिया और इस तरह से मैं इसके पर बना लूँगी बटरफ्लाई के, और मैंने ये कट कर दिए हैं। अगर आपको मेरी और भी वीडियो देखनी है तो आप ये वाला हेयर बैंड मेरा लास्ट में देखिएगा। इस वीडियो में मैंने एक बनी हेयर बैंड बनाना सिखाया है। इस तरह से मैंने एक गत्ते का पीस लिया है और दूसरा फ्यूजिंग कपड़ों वाली जो होती है फ्यूजिंग रकम वो यूज़ की है, और मैंने तीन इस तरह से पीस काट लिए हैं। अब मेरे पास जो रफ वाला कपड़ा बचा था उसकी भी मैं एक छोटी सी बटरफ्लाई काटूँगी जो कि ऊपर लगाना है। अब मैंने ये वायर लिया है, इसमें इसके स्प्रिंग बनाऊंगी। इस तरह से गत्ते को फ्यूजिंग पे लगा के मैंने इस तरह से बीच में लगाए हैं ये वायर, और उसके ऊपर मैंने एक और फ्यूजिंग का पीस रख दिया है इस तरीके से। इस तरह से मैंने इसको इसकी बेस तैयार कर ली है। अब मैं इसके साइड जो है वो एनहेंस करने के लिए मैंने नक वाले पल्स यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी है लेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब मेरे वीडियोस में आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप वगैरह बनाने सिखाए हैं, वो भी बिल्कुल आसान और घर में ही रखी हुई चीज़ों से। ये मैंने हाफ तैयार कर लिए बटरफ्लाई। अब मैं दूसरे साइड पे भी इसी तरह से पल्स लगा लूँगी। और आप मेरी ये वीडियो भी लाजमी देखिएगा अगर आपको अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स बनाने हैं तो। ये हाफ बीट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नग वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके बाद मैं इसके ऊपर नग लगा रही हूँ, 6 नग्स लगाऊँगी, 3 इस साइड पर, 3 इस साइड पर फिनिशिंग के लिए। जब तक मैं ये नग लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने जो ये हाफ लगाया, छोटा लगाया था साइज़ का बटरफ्लाई, इसके ऊपर मैं नग वाली लेस लगा लूँगी, इस तरह से अटैच कर लूँगी। आपके पास अगर लेस वगैरह है कोई बारीक सी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। अपनी बेटी के सूट की मैचिंग के हिसाब से आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन इसे दे सकते हैं। हेयर एक्सेसरीज के हिसाब से मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद। लड़कियों के लिए वेडिंग स्टाइल की हेयर ज्वेलरी भी अवेलेबल है, जिसकी वीडियो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है। आप बिल्कुल ही कम खर्चे में अपनी अच्छी से अच्छी हेयर एक्सेसरीज तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं छोटी वाली जो बटरफ्लाई है उस पर मैं कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर पल्स हैं तो वो आप वो जगह जगह छोड़ के थोड़ा थोड़ा से स्पेस से आप वो पल्स भी अटैच कर सकती हैं। देखें, मैंने इस तरह से ये बटरफ्लाई तैयार कर रही है। अब मैं इसके वायर के ऊपर इस तरह से लेस लगा दूँगी ताकि वायर नज़र ना आए, कि दोनों वायर्स पे मैं इस तरह से नग लगा दूँगी और उसके कॉर्नर पे एक बड़ा नग लगाऊँगी जो कि इनहेंस लगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरा चैनल लाजमी विजिट कीजिएगा। यहाँ मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको लेस लगानी लेस लगा लें, हेयर क्लिप लगाना है तो आप हेयर क्लिप बड़ों के लिए लगा सकते हैं। आप इसे रिंग भी बना सकते हैं, एज अ रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा फैशन है बड़ी बड़ी रिंग्स का। तो मैंने ये नग वाली लेस ली है, इसके ऊपर मैं इस तरह से इलास्टिक ज्वाइन करके इस तरह से मैंने बैंड बना लिया है, और अब मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। झटपट से तैयार होने वाला हेयर बैंड तैयार है, आप इसे शादी में भी वेयर करवा सकती हैं अपनी बच्चियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।